दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि पेन ड्राइव में कैसे कॉपी किया जाता है वीडियो या फाइल कोई भी रहेगा। उसके लिए आप स्टार्ट पे जाओ, माइक कंप्यूटर पे क्लिक करो। जैसे देखो, यहाँ पे मेरा एक पेन ड्राइव दिखा रहा है। अब मैं इस पेन ड्राइव को निकाल कर रिमूव करके फिर वापस मैं लगाता हूँ और लगा के आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें जैसे भी कॉपी कर सकते हो आप, कोई भी फाइल रहेगा, टेक्स्ट फाइल रहेगा, वीडियो की फाइल रहेगी, आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं पेन ड्राइव वहाँ पे लैपटॉप में इंसर्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा लैपटॉप शो कर रहा है, ठीक है, पेन ड्राइव शो कर रहा है। मैंने फोल्डर को ओपन कर दिया। अभी ये फोल्डर को ओपन करने के बाद में देखिए, ये मैंने कट कर दिया। अब देखिए, इसमें मेरा थोड़ा सा ही कुछ बाकी है, बाकी का फूल है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। इसमें एकदम ईजी है, कुछ भी ज़्यादा ये नहीं है, एकदम सिंपल है। जैसे कि अभी मैं इसको कट कर देता हूँ और मैं आपको फिर बताता हूँ कि कोई भी, जैसे ये फाइल है, आप इस फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद इसका राइट क्लिक करिएगा, ठीक है। कोई भी फाइल, जो फाइल आपको कॉपी करना हो, उस फाइल को सीधा आप वहाँ पे माउस को आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में उसका राइट क्लिक करिएगा माउस का, और उसमें एक ऑप्शन आएगा नीचे कॉपी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कॉपी करिएगा, और कॉपी करने के बाद फिर से आप वापस माई कंप्यूटर में उस पेन ड्राइव के फोल्डर में जाए। जैसे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया और उसके बाद में ये मैं माई कंप्यूटर में जा रहा हूँ। ये मेरा पेन ड्राइव का फोल्डर है या पेन ड्राइव है। अब मैं यहाँ पे जाके माउस का राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक जैसे करेंगे, आपको एक ऑप्शन आएगा पेस्ट का, मैंने देखो पेस्ट कर दिया। ये फोल्डर मेरा फाइल जो है ये यहाँ पे आ गया है। इस तरह से आपको कोई भी सी ड्राइव का, डी ड्राइव का, डेस्कटॉप का कोई भी फाइल होगा, आप उसको वहाँ पे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करना एकदम ईजी है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर आपको, मैं आपको इसमें कोई भी मूवी अगर कॉपी करना हुआ तो मूवी कैसे कॉपी करते हैं, जैसे ये मेरा एक मूवी है, मूवी का फाइल है। अब मैं देखो इसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद माउस जैसे रखूँगा, उसका राइट क्लिक करूँगा और कॉपी के ऑप्शन में जाऊँगा, ठीक है। जैसे मैं राइट क्लिक करके कॉपी के ऑप्शन में जाके आप वहाँ पे ये क्लिक कर सकते हो, जैसे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे इसी मेरा मूवी है, उसका कैपेसिटी ज़्यादा था, इसके लिए मैंने उसको कॉपी नहीं किया। अब मैं दूसरे को कॉपी किया हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया हूँ। कॉपी करके आप फिर से वापस पेन ड्राइव के फोल्डर में जाइए, या आप डी ड्राइव में, या कहीं पे भी कॉपी करना हो, आप इसी तरह से उसको इजिली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे गया, देखिए यहाँ पे माई कंप्यूटर में मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे हमारा जो पेन ड्राइव है, डी ड्राइव या ई ड्राइव, मेरा पेन ड्राइव जो है ये ई ड्राइव है। ई ड्राइव में मैं यहाँ पे आपको, अगर आप एक नया फोल्डर बनाना चाहें तो न्यू फोल्डर करके, न्यू फोल्डर का राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर में जाइए, और वहाँ पे आप कोई भी फोल्डर का मूवी का नाम दे दीजिए। जैसे मैंने मूवी का नाम दे दिया, अब यहाँ पे आप माउस का राइट क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे राइट क्लिक करने पे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जैसे आप पेस्ट करोगे, ये यहाँ पे कॉपी होगा। कॉपी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये मूवी का जो फोल्डर फाइल होता है वो बड़ा होता है, जैसे 3 GB का, 3 GB का, 2.5 GB का, 2 GB का, ऐसा होता है, ठीक है। अभी ये इसको यहाँ पे आप कॉपी होने दीजिए। देखिए, ये मूवी का फोल्डर है, इस मूवी के फोल्डर में वो कॉपी हो रहा है। मैं आपको वहाँ पे वो करके बताता, अभी मैंने यहाँ पे ये कैस्ट कैंसिल कर दिया था, फिर दोबारा मैं वापस आपको वहाँ पे पेस्ट करके बताता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मूवी के फोल्डर में ही वो जा रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फोल्डर है उसका कहाँ से कॉपी हो रहा है लिंक और वहाँ पे कॉपी हो रहा है, वो दोनों बताता है फोल्डर के ऊपर। देखिए, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये शो कर रहा है, उस जो मूवी है, मूवी के फाइल का नाम बता रहा है कि कौन सी मूवी है वो चीज़ को यहाँ पे आप यहाँ पे ये कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे कॉपी करेंगे, आपको फोल्डर बन गया। फोल्डर में ये वीडियो आपका क्लिप है, कोई भी वीडियो क्लिप है, कोई भी मूवी है, आप वहाँ पे कॉपी कर दीजिए, आपको इजली ये हो जाएगा। देखिए, ये यहाँ पे मैंने जो एक कॉपी किया था वहाँ से, यहाँ पर अब मैं यहाँ से कॉपी करके आप कहीं दूसरी जगह, या आप जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे कॉपी करके बताऊँगा, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे कॉपी करने के बाद में आप चाहिए तो यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ से डिलीट नहीं होगा, और आप जाके डेस्कटॉप पर या कंप्यूटर में या माई कंप्यूटर में किसी फोल्डर में जाके कर सकते हो। देखो, मैं यहाँ पर पेस्ट किया, ऑलरेडी सेम नाम का है, इसके लिए ये ऑप्शन आया। यहाँ पर आप कर चाहिए तो कॉपी एंड रिप्लेस कर सकते हो, मतलब सेम जगह पर
उसको वहाँ पे कॉपी हो जाएगा, वो दूसरा एक्स्ट्रा फाइल नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि अब मेरा यहाँ पे भी ये कॉपी हो गया है, और उसके बाद में वहाँ पे मेरा कॉपी एक दूसरा हो रहा है वीडियो फाइल जैसे, जो मैंने पेन ड्राइव में ऑलरेडी करके रखा हूँ। देखिए ये मेरा मूवी का फाइल है, जो मूवी कॉपी हो रहा है आपके पेन ड्राइव में। इसी तरह से आपको करने का है, अब जाके आप पेन ड्राइव में चेक कर लीजिए, वहाँ पे उस मूवी के फोल्डर में वो वीडियो या मूवी वहाँ पे आ गया है। ठीक है, थैंक यू। इस तरह से आपको कॉपी करना है।